नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के सांसद, जी हां, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह से। बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों चर्चाओं में रहने की वजह महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जो अभी तक बसते नजर आ रहे थे, क्या ये पूरा मामला अब कोर्ट में जाता दिखाई दे रहा है? और अगर ये पूरा मामला कोर्ट चला जाता है तो क्या बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बृजभूषण शरण सिंह की? और आखिरकार स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और तमाम ऐसे भाजपा के नेता बृजभूषण शरण सिंह को लेकर चुप क्यों है? ये तमाम सवाल आज हमारे इस मुद्दे के। और मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल है कि महिला पहलवानों का ये कहना कि अब इस मामले को कोर्ट तक ले जाया जाएगा, तो अगर कोर्ट तक मामला जाता है तो क्या मुश्किलें बढ़ती हैं बृजभूषण शरण सिंह की? मुश्किलें तो आज भी बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को कोर्ट तक पहुँचाया क्यों जा रहा है? कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ तौर पर जो दुष्कर्मी है, साफ तौर पर जिसने महिला के साथ ऐसा किया है, साफ तौर पर जब महिला खिलाड़ी ये कह रही कि हमारे पास सबूत हैं, तो फिर क्या जरूरत है? सरकार को महिलाओं पर भरोसा नहीं है, या फिर सरकार को विनेश फोगाट पर भरोसा नहीं है, या फिर सरकार मूक दर्शक बन गई है? ये तमाम सवाल खड़े सरकार पर हो रहे हैं। जब बृजभूषण शरण सिंह इस तरीके का काम करे बैठे हैं, उसके बाद भी लगातार रैली कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार जो है उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। ये कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया कि लोग उनको माला पहना रहे हैं? मैंने कल उनका एक पैकेज किया। लेकिन बड़ी बात निकल कर राहुल ये आती है कि सरकार मूक दर्शक कब तक बनी रहेगी? आपने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया, आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया, आपने तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मंत्री उनका आपने जिक्र किया, इनका जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर मामला कोर्ट तक पहुँचता है तो बहुत बड़ी बात है कि उनको फांसी होनी चाहिए, और अगर कोर्ट तक नहीं पहुँचता है मामला तो बृजभूषण शरण सिंह को खुद सामने आना चाहिए, अपनी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और हथकड़ी अपने हाथ में लगवा लेना चाहिए। ऋतिक, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, महिला पहलवानों का ये कहना है कि भाई जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो खेल के लिए जाया करती थी तो उससे पहले एक जो है बकायदा एक सेमिनार या अगर हम कहें एक प्रतियोगिता रखी जाती थी जिसमें कई महिला पहलवानों को भी बुलाया जाता था, और बकायदा एक महिला शिविर, मतलब पूरा महिला शिविर बनाया जाता था प्रतियोगिता से पहले, और उस महिला शिविर में बहुत सारे महिला पहलवान आती थी, और माना जा रहा है कि बृजभूषण सिंह उस महिला शिविर में एक एक घंटे रहते थे, और अगर 9 महिलाओं को बुलाया गया तो उसमें से 4 को फाइनल किया जाता था। और ऐसे में विनेश फोगाट का यह कहना है कि तस्वीरें और तमाम तरह के वीडियोस हमारे पास है, अगर उन्होंने सच बता दिया या खुलकर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और ये फिर देख लीजिएगा कि क्या कुछ जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की भी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के पास जो प्राइवेसी है, जो वीडियो है, जो फोटोज है, उनको वायरल करना या किसी को दिखाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है, अगर दावा पेश किया है, तो उसका मतलब उनके पास कुछ बड़ा है जो वो दिखा सकती हैं, किसी ऐसे को दिखा सकती हैं जो शायद न्याय दिला सकता है। जैसे आपने कोर्ट का जिक्र किया, कोर्ट में जो है मीडिया तक वो दिखा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि इस डर के पीछे बृजभूषण सिंह का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो भागे भागे घूम रहे हैं, छुपे छुपे घूम रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप मीडिया के सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप जो विनेश फोगाट है उसके सामने बैठिए, उसके सवालों का जवाब आप दीजिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगातार जो है प्रोटेस्ट चलता जा रहा है, लगातार सवाल के सवाल खड़े हो रहे हैं, दिल्ली में इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है। देखिए हरियाणा की खिलाड़ी हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठती हैं, एक तरफ स्मृति ईरानी जो है 2014 के पहले महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ जाती थी, 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, महिलाओं के लिए महिला सशक्ति की ओर बढ़ता भारत का जिक्र करती थी, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तमाम चीज़ें हैं, कहते हैं कि जहाँ देवी लड़कियाँ निवास करती हैं वहाँ देवता निवास कर, तमाम चीज़ें हैं जहाँ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो कन्या का उनमें वो पाया जाता है, छवि उनमें है, वो देवी हैं। तो जब आप इतनी दलीलें पेश करते हैं, आप संस्कृति और संस्कार के लिए जाने जाते हैं, तो बेटियों के साथ जो इतना खराब हो रहा है, दुष्कर्म टाइप के जो केस सामने आ रहे हैं, तो आपको आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाना चाहिए। अच्छा ऋतिक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का चुप रहना, ये हर किसी को चुप रहा है, ये वही स्मृति ईरानी है जब अधीर
रंजन चौधरी के मुंह से गलती से निकल जाता है देश की महिला राष्ट्रपतनी, उस वक्त सड़क से संसद तक तो मोर्चा खोल देते। लेकिन आज महिलाएं जो है, चाहे मैं हाथरस की बात कर लूँ, उत्तराखंड की बात कर लूँ, या दिल्ली का खंझावला कांड देख लें, या अभी जो विनेश फोगाट और तमाम महिला पहलवानों का हर मामले में चुप रही, क्या वजह स्मृति ईरानी की चुप्पी की? देखिए, स्मृति ईरानी की चुप्पी की यही वजह है कि स्मृति ईरानी को कुर्सी मिल गई है जिसका उनको इंतजार था। 2014 की पहले कोई कुर्सी नहीं थी, आज कुर्सी आ गई है। तो महिलाएं भूल गई हैं, महंगाई का मुद्दा भूल गई हैं, रोजगार का मुद्दा भूल गई हैं। और आने वाले वक्त में जब अमेठी से चुनाव होगा, मैं ये कहता हूँ चाहे राहुल गांधी उनके जो है विपक्ष में चुनाव लड़ें, या कोई अन्य नेता रहे, चाहे अजय राय ही क्यों चुनाव ना लड़ें, स्मृति ईरानी की इस बार हार तय इसलिए हो सकती है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आप मुद्दों से दूर जा रही हैं। आपको लोगों ने पसंद किया, पसंद करने के बावजूद भी आप विनेश फोगाट जैसी नेता सॉरी यहाँ पर खिलाड़ी के लिए जो है सड़क पर नहीं आती हैं। अगर आप उसकी पक्षधर बनके उसका सपोर्ट करने, उसके उसको हिम्मत देने, उसको दिलासा देने के लिए अगर सड़कों पर आती, जंतर मंतर पहुँचती, तो कहीं ना कहीं समझते कि आज भी आपके अंदर महिलाओं की सेवा करने के लिए आत्मा जागती है। तो ये देखिए, बाकायदा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगर महिलाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं महिला का सम्मान होना चाहिए। पीएम मोदी जो है, जिन्होंने नारा दिया था कि भाई महिला आगे बढ़ेंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम नारे हम देखते हैं कि भाजपा की तरफ से दिए गए हैं। चाहे स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं की आजादी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की थी, लेकिन आज महिलाओं को क्या वाकई इंसाफ मिला है? और जिस तरीके से महिला पहलवानों की हम बात, मिलेगा इंसाफ? मैं वही कह रहा हूं कि इंसाफ कैसे मिलेगा? महिलाओं के लिए बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अभी तक इस्तीफा मांग लेते, या अभी तक कोई बड़ा ट्वीट कर देते, या ये कह देते कि ऐसे नेताओं की हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। देखो, बीजेपी पार्टी के पास सच में नेताओं की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नेता उनके पास है, चाणक्य नीति उनके पास है, तमाम चीजें उनके पास हैं, अच्छा बुद्धि, अच्छा नेतृत्व है, इसके बावजूद भी छोटे छोटे फैसलों में को लेने में विफल हो जाती है। इसको तो कहते हैं कि खुद की पार्टी भ्रष्टाचार करे तो ठीक है, दूसरों की पार्टी भ्रष्टाचार करे तो भाई ईडी सीबीआई आज तमाम जो है एजेंसियां पहुंचा देंगे, गिरफ्तारी की तलवार लटका देंगे, और इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं का वीडियो वायरल करवा देंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋतिक, जो साम्राज्य बनाया है बृजभूषण शरण सिंह ने, वो तमाम साम्राज्य अब क्या वाकई ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आ रहा है? क्योंकि एक बाहुबली के तौर पर उन्हें जाना जाता है। ऐसे कोई बाहुबली, ये बाहुबली नहीं होते हैं। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते, हम उन्हें मर्द नहीं समझते। और यही सबसे बड़ी बात है कि आज स्त्री के दर्द नहीं समझने वाले लोगों को मर्द नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। क्योंकि एक महिला खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं देश का परचम लहराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत के तिरंगा को लहराया है, और ये सबसे बड़ी बात है। जब तिरंगा को हम देखते हैं ऊपर अपना सर ऐसे करके, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश की पहचान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, कोर्ट तक मामला पहुंचना नहीं चाहिए, और जेल में अगर ऐसे नेता जाएंगे तो दूसरा ऐसा नेता पैदा नहीं हो पाएगा। और देखिए, बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद, जिनका बड़ा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ है, जी हाँ, दाऊद के साथ उनका बड़ा कनेक्शन बताया जाता है, अयोध्या मामले से उनका बड़ा कनेक्शन है, डराने धमकाने के मामले में बृजभूषण सिंह नंबर वन पर है, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को भी डराया धमकाया है। इसके साथ ही अचूक संपत्ति उनके पास है, कई स्कूल हैं, कई कॉलेज हैं, कई संस्थाएं हैं। अब क्या तमाम स्कूल कॉलेज संस्थाओं पर और क्या जो चल अचल संपत्ति है उस पर तमाम तरीके की सरकारी एजेंसियां बैठेंगी, जांच होगी, और जांच होगी तो क्या सब सच निकल कर सामने आएगा? आगे और जो भी अपडेट रहेगा इस पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।